वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानी देवदार। फ्रेंड्स, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। आज कश्मीर में सब खुश हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, सब खुशी से झूम रहे हैं। कहते हैं खुदा की अगर देर है अंधेर नहीं। वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दो दिन से जारी है बर्फबारी, ये वादी हमारी। कश्मीर में पिछले दो दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में सब लोग खुश हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि जब कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है तो कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। कश्मीर का हर मौसम अनोखा होता है और हर मौसम की एक अलग पहचान होती है। दुनिया भर से लोग कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर के इन दिलकश नज़ारों को देखने के लिए आते हैं। इस बार कश्मीर में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर 6 फुट और कई जगहों पर 5 फुट तक बर्फ पड़ी। कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर भी कहा जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, अगर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्त, हमें अस्तो। शायर इस शायर में फरमाते हैं, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, यही है। शायर ने क्या सोचकर इसको जन्नत का खिताब दिया। ये भी हकीकत है कि जन्नत का तसव्वुर इंसान दिमाग में नहीं ला पाएगा, लेकिन ये कश्मीर इतना खूबसूरत है कि शायर भी कहने पर मजबूर हुआ कि ये जन्नत है। यहाँ के आबशार, यहाँ के कोहसार, यहाँ के देवदार चिनार, जिन्हें देखकर दिल दिमाग ताज़ा हो जाता है। कश्मीर सच में बहुत ही खूबसूरत है। लगता है कुदरत ने कश्मीर को बड़ी फुर्सत से बनाया। और अगर हम कश्मीर की मेहमान नवाजी की बात करें तो कश्मीर की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जहाँ से आप लोग हैं वहाँ कितनी बर्फबारी हुई। खुदा हाफिज़।